सत्संग के सदके कर सकते हैं। दुनिया में तो जाके देखो बहुत लोग पैसों का आदान प्रदान करते हैं पर वो आनंदित रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। पर विचारों के आदान प्रदान से, ज्ञान के आदान प्रदान से, इस प्रेम के आदान प्रदान से आपके अंदर में आनंद और शांति बरकरार है। सिर्फ केवल मैं मेरी के लिए नहीं सोचो, कभी और के लिए भी सोच के देखो। सकामता में कितना भी कर दोगे कोई तुम्हारा गुण एहसान नहीं है, निष्कामता में थोड़ा सा भी करोगे तो कितने वाह वाह करते। हम तो कहते जरा सा कोई गुरु का ही ज्ञान बना देता है भगवान बन जाता तुरंत। अच्छा उसको भगवान का निश्चय हो या ना हो पर लोगों के लिए तो वो भगवान हो ही जाते। तो ये हमारे दुख दर्दों का निवारण तो इनके द्वारा, किसके द्वारा हुआ? ज्ञान के द्वारा हुआ। ज्ञान वेदों शास्त्रों का, ज्ञान गुरु का ज्ञान है। तो सारे समय अपने को ही चेक करना कि सुख दुख है किसमें, उससे प्रभावित कौन हो रहा है, जीवात्मा। कल भी बात चली थी, इन सब का असर केवल शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। हर चीज दिखाई शरीर से पड़ती है, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपका उमंग उत्साह, वो भी आपके शरीर से पता चल जाता है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास भी पता चल जाता है आपके हाव भाव से। और आपकी अश्रद्धा, अविश्वास, अज्ञान, अभिमान, विकार, ये सब भी पता चल जाते हैं शरीर से, इन इंद्रियों के माध्यम से। तो इन सब का भोगता जीव जो अपने आप को मान के रहता है। बाकी तो प्रकृति पुरुष सब निर्वेद न्यारे, नथिंग कैन टच आत्मा। जो आत्म तत्व है वो न्यूट्रल है। जैसे धरती में बाढ़ भी है, धरती में सूखा भी है, धरती में सब तरफ हरियाली भी है, धरती में पतझड़ भी है, कहीं जल है कहीं स्थल, बहुत तरह की भिन्नता विविधता धरती और धरती में रहने वाले लोगों में दिखाई पड़ेगी। सबकी प्रकृति अलग है, कोई सात्विकता से भरा है, कोई बहुत रजस से, रजोगुण से, सारे समय काम ही काम, मजाले शांति से बैठता है, प्रकृति है। और करने का स्वभाव अपना और दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं, फिर सारे समय घर में कलह क्लेश। स्वभाव तुम्हारा, गुण तुम्हारा, अगले का अंदर में नहीं ऐसा, तो फिर अपने ही, हर व्यक्ति अपने ही स्वभाव से दुखी होता, उसको कोई दुखी नहीं करता। जबरदस्ती अगले को लपेटना, उसके अंदर में नहीं फुरना है। सबकी प्रकृति है, कोई शांत प्रकृति का है, कोई चंचल प्रकृति का है, कोई उग्र स्वभाव का है, कोई बहुत धीरज वाला है, प्रेम वाला है। और हर व्यक्ति अपने नज़रिए से सबको तौलते और तौलना चाहते हैं, यही उनके दुख की वजह और कारण बन जाता है। कोई दुख है नहीं जीवन में, पर अपने ही गुण, अपने ही स्वभाव, अपने ही कर्म, अपने ही विकार ये उनकी ज़िंदगी को शांति और अशांति से भर देते हैं। प्रेम है अंदर में, सबके लिए करुणा है, उदारता है, अपनत्व है, आत्मीयता है, तो खुश रहो। और इनसे हटके कुछ भी है तो तुम ही दुखी रहो। तो सारे समय जीवात्मा सुख दुख का भोगता है। तो ज्ञान से ही ये सारी बातें समझ में आती हैं और फिर हम दुखों की लकीरों की, कलह क्लेश की, अशांति की लकीरों को धीरे धीरे खत्म करने वाले बन जाते हैं। कि अंदर में शांति जब तुम्हारे मन में है तो तुम्हारे जीवन में भी बाहर से भी शांति दिखाई पड़ेगी। तो ये बहुत श्लोक पूरा का पूरा ग्रामर के साथ, करण कार्य भगवान ने दिया तो सब कुछ बहुत अच्छे के लिए। आज इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से यही विषय रस संसार से जुड़ जाते हैं, लोगों से जुड़ जाते हैं, मैं मेरी से जुड़ जाते हैं, ये बंधन का हेतु और आवागमन का हेतु बन जाते हैं। पर यही विषय अगर भगवान से जुड़ जाए
भगवान ही हमारा विषय बन जाए, टॉपिक बन जाए, जीवन बन जाए, उसी की महिमा सुनना, उसी की महिमा करना अगर अच्छा लगे तो ये बंधन के इतने विषय रस, इनको रस बोला गया। शब्द की तार पे सारी दुनिया नाच रही है। आज सत्संग में भी हमारे और गुरु के बीच में रिश्ता किसका होता है? वाणी का ही तो है। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, किच वाणी अमृत साथ। अगर सत्संग में वाणी ना मिले तो कितना दर्शन करोगे? दर्शन तो कहोगे हमने अपने अंदर में समा लिया, हम घर में भी बैठ के कर सकते हैं, वाणी में घर में बैठ के सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं सकते हैं। पर फिर भी शक्ति तो वाणी से आती कि नहीं आती? फिर स्पर्श, गुरु का पावन स्पर्श, वन टच वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज इनफ टू शो यू गॉड। गुरु की पवित्र नजर, पवित्र स्पर्श हमको कैसे आनंद शांति देने वाला होता है, शुद्धता प्रदान करने वाला होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है और परमात्मा की झलक का अनुभव कराने वाला होता है। तुमको छूलूं, तुमको देखूं तो मुझे याद प्रदान किया है। प्रभु से सहज मिलाती है गुरु भक्ति, तो स्पर्श। फिर रूप, चाहे वो सुंदर हो या ना हो, पर अट्रैक्शन सब में सत्य का, त्याग का, संयम का, प्योरिटी का होता है। आपके पास कितने कीमती साधन है, सुखों की सामग्री बहुत है पर अस्त व्यस्त है, गंदगी से लिप्त है, आपको अच्छी लगेगी? घर में चारों तरफ गंदगी गंदगी है, है बहुत कीमती करोड़ों का है, एक से एक कीमती पत्थर, एक से एक कीमती चीजें, पर गंदगी है, अच्छा नहीं लगेगा। एक साधारण सा भी घर है, साफ सुथरा है, वहाँ बैठना वहाँ जाना अच्छा लगेगा। रूप भगवान कृष्ण के लिए बोला जाता है श्याम रंग, राम के लिए नील वर्ण, नीला को श्यामल को बोला रंग। तो कैसे श्यामल रंग को लेकर भी वो सबके प्रिय क्यों है? क्योंकि अट्रैक्शन सत्य का है, अट्रैक्शन उस शक्ति का है जो शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, तो वो रूप अच्छा लगता है। जीव का रूप जैसे ही शरीर छूटा, प्राण समाप्त हुए, भगवान ने साथ छोड़ा, नाम और रूप उसी समय से मिटना शुरू हो जाता है। कोई नाम से नहीं बोलता है फलाने मिस्टर को कब उठा के लेके जाओगे, रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। अब सीधे क्या हो गया वो मिट्टी, या अंग्रेजी में बोल देंगे भाई डेड बॉडी कब उठे। अब वो बॉडी क्या हो गई? डेड यानी मिट्टी। पर जब तक भगवान ने पकड़ रखा है तो सारे रिश्ते नाते तुम्हारे जीवित हैं। पर जैसे ही उसका साथ छूटा, उसके बाद वो क्या हो गया? और फिर हर जगह से नाम भी जाके देखो, रूप भी समाप्त, धीरे धीरे विकृत होने लग जाती है बॉडी, ज्यादा देर तक अगर उसको रखा जाए, और नाम भी हर जगह से समाप्त कर दिया जाता है। पर उस ब्रह्म तत्व ने जब कभी भी कोई आकार लिया, उसकी राम का, कृष्ण का, उनके रूप की भी महिमा है, उनके नामों की भी महिमा है, पर जीव के तो रूप कब अच्छा लगता है? जब उसके अंदर में प्योरिटी है। और जब आप भी सबके अंदर में उस भगवत दर्शन करते हैं, तभी ये विषय रस आपके बंधन के कारण नहीं बनते, आपकी मुक्ति के, आपके सुख के हेतु बन जाते हैं। रस भी भगवान का प्रसाद समझ के खाओ, तो प्रसाद में चाहे स्वाद हो या ना हो, पर अगर प्रसाद नाम है तो फिर प्रसाद आपको रस देता है, सुख देता है। एक बार हम लोग गुरु जी के साथ गए अयोध्या फैजाबाद में, पहली बार हमने वहाँ पे देखा, गुरुद्वारे में सत्संग हुआ और वहाँ पे वो चटपटे आलू लोगों ने बांटे, तो जब उन्होंने कहा ये प्रसाद तो हमें बड़ी फैला, हमने कहा ये प्रसाद होता है कोई,
ये प्रसाद थोड़ी है, प्रसाद हम लोगों के बचपन से हमने सुना था, हलवा चना या पतीली जिसको बोलते हैं, चरणामृत बोलते हैं, बचपन में बतासों को भी बढ़ते देखा था, ये सब चीजें हमने कहा प्रसाद तो ये होता है, ये कैसा प्रसाद। हमें इतनी हंसी आई तो जब गुरु जी से कहा गुरु जी ये प्रसाद है क्या, ये तो आलू है इतने चटपटे। कहते हैं जिसका भी भोग भगवान को लग जाता है उसके ऊपर नाम पड़ जाता है प्रसाद। तो भगवान थोड़ी ना कहता हमको ये दो, भगवान पत्र पुष्प पलम कलम कोई भी श्रद्धा से चढ़ाता है तो उसका स्वीकार करता है। तो जो भगवान को चीज अर्पण हो गई वो प्रसाद बन गई। तो रस, बातों का रस और खाने का रस, आपके कर्मेंद्रिय में भी रसना आती है और आपके ज्ञानेंद्रिय में भी रसना आती है। ज्ञानेंद्रिय में और कर्मेंद्रिय में, ज्ञानेंद्रिय में आपको पता बता रही है खट्टा है मीठा है नमकीन है, ज्ञान दे रही है। और वैसे ये वाक बोल बोल के इंसान कितनी जिंदगी अपनी भी नर्क करता है और दूसरों की। कर्मेंद्रिय में ये वाक शक्ति, और वैसे ज्ञान में ये स्वाद की इंद्रिय, जबान से पता चल जाता है ठंडा है गर्म है कैसा है। तो ये रस और गंध एक प्रेम की खुशबू होती है। एक कोई बहुत ज़्यादा मायावी व्यक्ति हो, अब जाके बैठो उसके उसका ऑरा उसकी बॉडी लैंग्वेज या उससे एक अजीब सी तुमको अनुभूति होगी, पर संतों की एक अलग अनुभूति होगी। उनकी शांति की प्रेम की खुशबू होती है, प्रेमन की खुशबू होती है। तो ये विषय रस विकारों का अधिकार गुरु जी बताते हैं, अगर इनको भी हम इस तरफ डाइवर्ट कर दें, अपने मुख से अच्छा ही अच्छा बोलो, कभी कड़वा नहीं बोलो, कभी ज्ञान से हट के कोई और बातें नहीं बोलो, जिन बातों से दुख हो उन बातों को नहीं करो। तो ये समझ आती है सत्संग सुनते सुनते। तो सही दिशा भगवान ने जो कुछ बनाया बहुत अच्छा, संसार में भी वृद्धि करनी, अगर भगवान ने ये सब दिए तो अच्छी चीज है। आप वृद्धि करें पर उस वृद्धि में अभिमान ना हो, उस वृद्धि में नफरत ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, क्योंकि तुम्हारे से उत्पन्न तुम्हारे विकार तुम्हारी खुशी को शांति को स्वास्थ्य को और आत्मिक उन्नति को ये विध्वंस कर देते। जैसे लकड़ी से उत्पन्न आग लकड़ी को जला के राख कर देती है, तुम्हारे से उत्पन्न ये विकार तुम्हारी शांति को खुशी को सब बर्बाद कर देते। तो एक एक गीता का श्लोक बहुत समझने वाला, बहुत अपने में चिंतन करने वाला, बहुत अपने आप में जागरूकता लाने वाला है। किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है, इस शरीर रूपी खेत में सही बीजारोपण हो, सही संकल्प शक्ति हो, प्रभु बहुत जन्म बिछड़े थे माधव अभी ये जन्म तुम्हारे लिए। तेरी भक्ति में बीते जीवन सारी संगत दुआ करता। बहुत अच्छे भक्ति के शक्ति के दिन चल रहे हैं, हमारी भी भक्ति हमारी भी सात्विकता हमारी भी शुक्रगुजारी बढ़े, क्योंकि शुक्रगुजारी भी बंदगी का बहुत सुंदर स्वरूप है। सारे समय अगर आप भगवान का शुक्र अदा करते हैं तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है। बाकी बहुत भक्ति करके सारे समय चिंता कर रहे हैं फिक्र कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो ये भक्ति किसी भी काम की नहीं। पर जाए विधि राखे राम ताए विधि रखे, सीताराम 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 कहिए। तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम,
तुम्हें ला
तेरी मर्जी के सब है गुलाब।